हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में दो अक्षर से बने वर्ण को यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, फिर उसे जोड़कर लिखना सीखेंगे। आपको मैंने पहले भी दो अक्षर से बने शब्द को पढ़ाया था, ये थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज कराने के लिए है ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर सके और मिलाकर पढ़ना सीख सके। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पहले दो अक्षर से बने शब्द को पढ़ते हैं मिलाकर। क्या है हमारा टॉपिक? दो अक्षर से बने शब्द। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अगर गंदा हो जाए डोंट माइंड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला है हमारा द, ये हमारा एक अक्षर हो गया। हमने यहाँ पे जब स लिखा तो ये दो अक्षर हो गया, तो क्या हो जाएगा? द स दस। उसी तरह से हमने ब लिखा, ये एक अक्षर हो गया। जब हम इसमें स लिख देंगे, जोड़ देंगे, दो अक्षर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ब स बस। उसी तरह से यहाँ पर ख ग, इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ख ग खग। यहाँ पे और हम लिखते हैं फ ल, मिलाकर पढ़ेंगे फ ल फल। उसी तरह से न ल, मिला के पढ़ने पे क्या हो जाएगा? न ल नल। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे ट ब, मिला के पढ़ेंगे क्या देगा? ट ब टब। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे न थ, मिला के पढ़ने के बाद न थ नथ। फिर हम राइट करेंगे यहाँ पर र थ, मिला के पढ़ेंगे र थ रथ। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ज ल, मिला के पढ़ेंगे ज ल जल। थ न, क्या हो जाएगा? थ न थन। अब हम मिला के फिर से पढ़ते हैं हमारे साथ, चलिए रिपीट करिए आप। द स दस, ब स बस, ख ग खग, फ ल फल, न ल नल, ट ब टब, न थ नथ, र थ रथ, ज ल जल, थ न थन। ये कितने अक्षर से बने हैं शब्द? दो अक्षर से। यहाँ हमने एक दो दो अक्षर का इस्तेमाल करके एक शब्द बनाया है, इस तरह से आप मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आपको इससे संबंधित गृह कार्य देंगे जो आप कॉपी में राइट करेंगे। तो हम पहले अपनी कॉपी में दिनांक लिखेंगे, दिनांक। ठीक है, हमने दिनांक लिख लिया, यहाँ पे लिखेंगे दिन, यहाँ पे हम लिखेंगे गृह कार्य, यहाँ लिखेंगे दो अक्षर, नहीं सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे जोड़कर लिखो, हम लिखेंगे जोड़ कर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी, फिर से हम राइट करते हैं यहाँ पर। जोड़कर लिखो, अब हम यहाँ पे कुछ शब्द लिखेंगे जिसे आपको जोड़कर लिखना होगा। ठीक है, पहला हमारा हो गया ह धन ल,
बराबर आप इसे जोड़ के लिखेंगे, हल हो जाएगा ट धन ब बराबर ख धन ग बराबर खग न धन ल बराबर उसके बाद ब धन स बराबर यहाँ पे हम लिखते हैं ज धन ल बराबर ख धन ल बराबर न धन ख बराबर ज धन ल बराबर। तो अब इसे मिलाकर दो अक्षरों को मिलाकर एक शब्द के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे अच्छे से लर्न भी करेंगे यानी कि याद करेंगे। धन्यवाद।